नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना पुरानी है, 3-4 महीने ही पुरानी है। प्रदेश है राजस्थान, जिला है जोधपुर। जोधपुर जिले के लोहावट कस्बे के मतोड़ा थाना क्षेत्र के गांव जरिया से सुबह सुबह 8 बजे थाने और कंट्रोल रूम दोनों को ये सूचना गई, फोन किया लोगों ने कि साहब फौरन आ जाइए, एक आदमी अपने छत पर खून से सनी हुई तलवार लहरा रहा है और ये कह रहा है कि अगर कोई पास में आया तो उसकी गर्दन काट दूंगा, और ऐसा लगता है कि उसने अपनी पत्नी की भी हत्या इसी तलवार से कर दी है। सूचना गंभीर थी, पुलिस फौरन गांव जरिया पहुंच गई, देखा कि एक व्यक्ति, अधेड़ व्यक्ति, एक रक्त रंजित तलवार लहराता हुआ छत पर है। पुलिस को देखकर उसने पुलिस को भी ललकार दिया कि अगर नजदीक आए तो गर्दन उड़ा दूंगा। बड़ा खौफनाक सा मंजर था, तमाशाई भीड़। इस तरह के तमाशे को देखने के लिए तो आप समझ ही सकते हैं कि कोई बचा नहीं, घरों में सब बाहर आ गए, खड़े खड़े ये तमाशा देख रहे थे कि कैसे वो तलवार लहरा रहा है। बहरहाल पुलिस ने हिकमत अमली से काम लिया, इनको इधर से चढ़ाया, उनको उधर से चढ़ाया, फिर कुछ बहलाया, कुछ फुसलाया, कुछ रिवाल्वर तानी, और फिर जब वो सीढ़ियों की तरफ भागने लगा तो पीछे से उसे पकड़ के तलवार छीनी गई। देखिए, तलवार से वार करने के लिए मारने वाले और जिस पर वार होना है उसके बीच थोड़ी दूरी का होना आवश्यक है। बिल्कुल जैसे पीछे से उसे पकड़ा गया, ऐसे में वो तलवार लेकर भी उसका कुछ नहीं कर सकता था। बहरहाल एकाध घंटे में हिकमत अमली से कब्जे में आ गया, उसे गाड़ी में डालकर, पुलिस अपनी गाड़ी में डालकर उसको पहले रवाना किया, फिर घर जाकर, भीतर जाकर देखा। इसका नाम तुरंत वहां पड़ोसियों ने बताया, आदमी का नाम जो तलवार लहरा रहा था उसका नाम अर्जुन राम था, उम्र 62 वर्ष थी। इसकी पत्नी शांति देवी, इसकी उम्र 57 वर्ष थी। कमरे के भीतर का मंजर बड़ा बुरा था, 3 कमरे थे, एक कमरे में ये पति पत्नी रहते थे और दूसरे कमरे में इनका बड़ा बेटा गोपाल राम, जिसकी उम्र 28 साल थी, वो उसकी पत्नी, पत्नी का नाम बहु स्वरूपी, उम्र 26 साल, और उसके 4 बच्चे रहा करते थे। जिस कमरे में ये पति पत्नी रहते थे उसमें पत्नी का एक हाथ, सिर का एक हिस्सा, ये कटकर शरीर से अलग होकर बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पत्नी की शरीर पर 10 जख्म थे तलवार के, हार्ड एंड ब्लंट शार्प ऑब्जेक्ट के, जमीन पर पड़ी हुई थी और चारों तरफ खून बिखरा पड़ा था। पुलिस को यह समझने में जरा सा भी समय नहीं लगा कि इसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। लोगों ने बताया कि साहब ये बहुत ही गुस्सैल, नशे का आदि और जिसको कहते हैं हाईएस्ट डिग्री का शक की आदमी है। लोगों ने यह भी बताया कि अभी कुछ दिन पहले इसका एक पड़ोसी, वो इनके घर के सामने से 2 बार गुजरा, यानी एक बार गुजरा होगा, कोई काम याद आ गया या कोई मैसेज घर से आ गया या पैसा ले जाना भूल गया, जो भी कारण रहा हो, थोड़ी देर में ही वो वापस फिर उसी रास्ते से इसके घर के सामने से अपने घर की तरफ गया। अर्जुन राम घर के बाहर बैठा हुआ था। सबसे पहले वो उठा, अपने घर की तरफ देखा कि यहां से गया है तो कोई न कोई बाहर दिख रहा होगा, और जिसको कहते हैं इत्तफाक ये कि उसकी बहू, गोपाला राम की पत्नी बहु स्वरूपी,
वो कूड़ा, घर का कूड़ा लेकर बाहर फेंकने आ रही थी। बस अर्जुन नाम को शक हो गया कि मेरी बहू को देखने के लिए ये दो बार आगे पीछे हुआ है। फौरन उसके घर पहुंच गया, वो निकल ही रहा था और उसका कॉलर पकड़कर गिरा दिया, लाठियों से सिर फोड़ दिया। जान बच गई, गांव वाले आए, छुड़वाया और फिर इसमें उसको जेल जाना पड़ा। अर्जुन राम 8-10 महीने की जेल काटने के बाद फिर वापस आ गया। बहुस्वरूपी ने जो घर में मौजूद थी अपने 4 बच्चों के साथ, उसने फिर पूरी बात बताई। उसने कहा, गोपाला राम उड़ीसा में किसी फैक्ट्री में काम वाम करता था। दीपावली में वो घर आया था। उसने ये भी बताया कि हम लोगों की शादी 8 साल पहले हुई थी और उसके बाद से दोनों के 2 बेटे और 2 बेटियां, यानी 4 लोग हैं, 4 बच्चे। दीपावली की छुट्टी खत्म होने के बाद वो फिर से उड़ीसा चला गया, जो जहां काम करता था। छुट्टियां खत्म हुई, वो वापस चला गया। इस बीच में गोपाला राम के पिता अर्जुन राम ने घर में सख्ती बढ़ा दी। बहू के लिए ये आदेश हुआ कि वो किसी कीमत पर बाहर नहीं निकलेगी। सामान लेने शांति देवी जाएंगी, सफाई बाहर की शांति देवी करेंगी, यानी उनकी पत्नी। कूड़ा बाहर फेंकना हो, शांति देवी जाएगी। वो किसी भी कीमत पे घर के बाहर खिड़की में या दरवाजे में नहीं दिखनी चाहिए। ये स्पष्ट आदेश अर्जुन राम ने अपनी बहू को दिया। कहीं अगर शादी ब्याह में जाना है, टोला पड़ोस में, गांव में, कहीं पर, तो बहू को ताले में बंद करके चाबी अपने जेब में रखकर पति पत्नी दोनों जाते थे। पत्नी इसका हमेशा विरोध करती थी, शांति देवी, लेकिन उसके स्वभाव से अच्छी तरह परिचित होने के बाद, नशेड़ी है, गुस्सा करता है, वो चुप रहती थी और ज्यादातर समय अपने ग्रैंडसन, अपने नातियों के जो 4 बच्चे थे, 2 लड़के 2 लड़कियां, छोटे छोटे थे, उन्हीं के साथ बिताया करती थी। एक दिन बाहर खेती बारी का काम करके अर्जुन राम घर के भीतर आए और बहू को आंगन में बर्तन मांजते हुए देखा। बहू से कहा, तुम भीतर जाओ। फिर जहां बहू बैठी हुई थी, वहां खुद बैठकर चारों तरफ देखा उसने कि कहीं से कुछ नजर तो नहीं आ रहा, यानी कोई ऐसी जगह तो नहीं जहां से बाहर का कोई आदमी हमारी बहू को देख रहा हो। फिर पता नहीं क्या समझ में आया और ये कहा कि अब से ये कमरे के भीतर रहेगी और ताला बंद रहेगा। शांति देवी से कहा कि चाबी तुम्हारे पास रहेगी, तुम खाना देने जाओगी और बाकी सब काम तुम भीतर का करोगी। उसी दिन रात में या शाम को कह लें, 6 बजे उसने कमरे में ताला बंद कर दिया। 8:15 बजे के आसपास सास शांति देवी ने उसका खाना भीतर दिया। उसके बाद करीब 11 बजे बहू ने धीरे धीरे दरवाजे को खटखटाया, क्योंकि ठीक बगल वाले कमरे में उनकी सास शांति देवी बहू स्वरूपी के 4 बच्चों के साथ सो रही थी। उसने आवाज सुनी, उठकर आई। भीतर से बहू ने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। शांति देवी ने ताला खोल दिया और ये कहा, जब कमरे में आ जाना बता देना, मैं ताला बंद कर दूंगी, वरना अगर इसकी नींद खुल गई अर्जुन राम की तो फिर बहुत बवंडर हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। बहू इस आदत से परेशान, अपने ससुर की इस आदत से परेशान, बाहर निकली और जब देखा कि उसकी सास अपने कमरे में उनके बच्चों के साथ चली गई,
वो ताला खोलकर, दरवाजा खोलकर बाहर आ गई और पड़ोसी के यहां पहुंच गई। ये वो पड़ोसी नहीं था जिसका सिर फोड़ा था अर्जुन राम ने, दूसरे पड़ोसी के यहां पहुंच गई और उससे बताया कि अब हम आजीज आ गए हैं, हम परेशान हो गए हैं, कमरे में ताला बंद करा देते हैं बाहर से, नेचर्स कॉल भी हम उसके लिए भी हम नहीं कह सकते, नारकीय जिंदगी हो गई है। वहां उनके जो पड़ोसी जो बुजुर्ग पति पत्नी थे, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम यहीं सो, सवेरे हम फिर किसी और को साथ में लेके अर्जुन राम से बात करेंगे। प्रधान के पास गए। अच्छा, जब सास शांति देवी ने देखा कि वो कहीं चली गई है तो उसने हल्ला जरा सा भी नहीं किया, उसने फौरन ताला बंद कर दिया ताकि अगर वो घूमते टहलते इधर से आए तो उसे कमरे में ताला बंद दिखाई दे, क्योंकि अगर ताला खुला हुआ देख लेता तो जाने क्या करता। सवेरे सवेरे प्रधान और तीन और गांव के मानिंद आदमी उसके घर पहुंच गए। अर्जुन राम से उन्होंने कहा कि भाई ये कौन सी आदत है, बहू है तुम्हारी, चार चार बच्चे हैं, कल की लड़की भी नहीं है कि तुम्हें ये खतरा हो कि ये बाहर निकलेगी तो लोग छेड़खानी करेंगे, ऐसा क्या है कि तुम ताले में बंद करते हो, अगर कोई बात है तो बताओ, गांव की पंचायत बुलाकर उसका समाधान करेंगे, लेकिन ये आदत तुम्हारी ठीक नहीं है। बहू फिलहाल इनके यहां है और अगर इसको कुछ हुआ तो हम लोग इसकी गवाही देंगे पुलिस में कि तुम्हारी वजह से हो रहा है। अभी वो इनके यहां रहेगी, नहाएगी धोएगी, खाना खिलाएंगे हम लोग, तब तुम्हारे यहां भेजेंगे। अर्जुन राम ने भी हाथ जोड़ा कि हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हैं, वो गलती हो गई मुझसे, ताला तो मैंने बंद करा दिया था, और खैर कोई बात नहीं, ये लोग चले गए। जैसे ही प्रधान जी तीन चार लोगों के साथ जहां जो आए थे वो वापस गए, वैसे ही अर्जुन राम अपनी तलवार निकाल कर ले आया और अपनी पत्नी के कमरे में घुसा, पत्नी से कहा कि मेरे मना करने के बाद भी ये ताला कैसे खुला और ये कैसे सरस्वती बहुस्वरूपी ये कैसे पड़ोस के यहां जाकर मेरी शिकायत की। जो भी उसने एक्सप्लेनेशन उसकी पत्नी शांति देवी ने दिया हो, उसने फौरन भरपूर जोर से उसके हाथ पर तलवार से वार कर दिया, हाथ बीच से कटकर बिस्तर पर गिर गया। इसके पहले कि वो चिल्लाने की कोशिश करती, तलवार का भरपूर वार सिर पर कर दिया और सिर का एक हिस्सा भी कटकर फ्लैश ही रहा होगा, क्योंकि तलवार के एक वार से हड्डी का कटना थोड़ा सा मुश्किल है, वो भी बिस्तर पर जा गिरा। उसके बाद तो जितना मार सकता था तलवार से उतने तलवार से वार किए अपने उस 57 वर्ष की पत्नी शांति देवी पर। चारों बच्चे जो शांति देवी के साथ थे वो निकलकर बाहर भागे, डर से थर थर कांप रहे थे, चिल्लाना शुरू किया। कोई पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था कि कहीं उनके बाबा उसको भी दादी की तरह ही तलवार से न काट दें। शोरगुल सुनकर सभी लोग इकट्ठा हुए, ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए, ये कमरे से निकलकर छत पर चला गया, वहीं से तलवार लहरा लहरा के धमकी देने लगा कि खबरदार अगर कोई मेरे नजदीक आया। तब लोगों ने पुलिस को इत्तला की और फिर पुलिस मौके पर पहुंची। फिर मौके पर जैसा मैंने बताया हिकमत अमली से उसकी गिरफ्तारी हो पाई। आज की घटना, देखिए आज की घटना में बताने को कुछ नहीं है, शक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। और देखिए ऐसा भी क्या शक करना, बहू थी घर में, जब तक बेटा था
जिम्मेदारी बेटे की थी। अगर कोई बात रही होती तो बेटा उसको बताता। बेटे को सबसे पहले पुलिस ने खबर की कि आ जाओ, इस तरह से तुम्हारे पिता ने तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारी माँ को तलवारों से काट दिया है। उसका बेटा गोपालाराम, उसने कहा कि आप इसको मॉर्चरी में रखवाइए, माँ की अंत्येष्टि हम आने के बाद ही करेंगे। तो उसको लोहावट की लोहावट हॉस्पिटल की मॉर्चरी में माँ के शव को रखवा दिया गया था। तो मैं कह ये रहा था कि पत्नी से अगर कोई शिकायत होती या ये शक होता कि साहब ये किसी के साथ भाग ना जाए, तब तो कोई बात समझ में आती है कि भाई आपको आपके लड़के ने निगरानी करने के लिए कहा है, आप घर में अपनी अपनी बहू की निगरानी के लिए बिल्कुल डंडा लेकर गेट अपने दरवाजे के बाहर बैठे हुए हैं, उसको बाहर निकलने से मना कर रहे हैं। लेकिन जब कोई बात ही नहीं थी, किसी ने कभी इस तरफ इशारा भी नहीं किया, तो ऐसे में सिर्फ हवा में ये शक करना कि मेरी बहू की उम्र बहुत कम है, 25-26 साल की है, बाहर निकलेगी तो ऐसा न हो किसी की नजर पड़ जाए, या ये भी न हो कि कहीं वो किसी के साथ भाग न जाए, ऐसे ही हवा में शक। शक का तो कोई इलाज ही नहीं है। और किसी ने बहुत बढ़िया लिखा है कि शक की बीमारी का कोई इलाज नहीं और इससे जो जूझते हैं उनका कोई खास नहीं। मतलब अगर आप शक्की हो गए स्वभाव से, हर चीज पे शक करने लगे, तो आपका कोई खास हो ही नहीं सकता, घर में ही कोई खास नहीं होगा, आप तनहा होंगे, आप अकेले होंगे। वही अर्जुन राम के साथ भी हुआ। तो शक एक ऐसा लाइलाज मर्ज है कि इसकी कोई दवा नहीं है। और इस सन की व्यक्ति ने केवल शक के बिना पर अपनी बहू पर इतनी पाबंदियां की और पाबंदियों को लागू कराता अपनी पत्नी से, और सास बहू के प्रति थोड़ा सा नर्म थी, थोड़ा सा लीनियंट व्यू रखती थी, लाख ताला होने के बावजूद वो ताला खोल के कभी बच्चों से मिलने के बहाने, कभी दूसरे बहाने ताला खोल दिया करती थी। लेकिन उस दिन आजीज आकर उसने बिना सास को बताए पड़ोस का दरवाजा खटखटा दिया। ये बात अर्जुन राम को बहुत बुरी लगी। मतलब ये लिमिट है शक की। आप ये समझ लें कि शक की इंतहा है ये। शक पर लिखने वालों ने बहुत लिखा है। किसी ने लिखा है कि एक जमाना था कि जादू पर यकीन करते थे। सब अपने अपने बचपन को जानते हैं कि जब कोई छोटा मोटा जादूगर टाइप का चीज टाइप का व्यक्ति टोपी ओपी पहन के और गांव गिराव में, स्कूल में, स्कूल के ऑडिटोरियम में वो गिलास में से रुमाल निकालता था तो लगता था अरे बाप रे बाप, ये तो वाकई जादूगर है। एक लंबी छड़ी को एक झटके में दबा के फूलों की वर्षा कर देना, पहले तो चलन नहीं था, आजकल तो बहुत ये चलन है कि वो उससे फोटोग्राफ से रियल कबूतर निकाल देना। लेकिन बच्चे इसको बिल्कुल मान के चलते हैं कि ये यकीन, ये बिल्कुल सही जादूगर है, ये कुछ जानता है जो जादू से ये पत्थर से फूल बना देता है, शीशे में से कबूतर निकाल देता है। तो उसी लिए ये कहता है शायर कि एक जमाना था जब जादू पर यकीन करते थे, अब जमाना आ गया है कि हकीकत पर भी शक करते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होंगे, ग्रोन अप होंगे, दिमाग होगा, बुद्धिमान होंगे, समाज को पढ़ने की शक्ति आ जाएगी आपको, वैसे वैसे ही आपको हकीकत पर भी शक होने लगेगा। और इस तरह का शक जो जो अर्जुन राम के दिमाग में घुस गया,
तमाम शक पर मैंने आपको अपराध की, गंभीर अपराध की घटनाएं भी बताई हैं कि बस अपनी बेटी पर, अपनी पत्नी पर, अपनी बहन पर या अपने बेटे पर ये शक हो गया कि फलाने के साथ रिश्ते में है, उस पर भी दो लाइनें किसी ने लिखी हैं कि उनके अकेले में, उनसे अकेले में कुछ बात हो गई, चलते चलते कहीं अकेले में कुछ बात हो गई। जरूरी नहीं है कि कुछ उसमें प्यार मोहब्बत की ही बात हुई हो, उनसे चलते चलते अकेले में कुछ बात हो गई, लोगों के बीच एक शक की शुरुआत हो गई और गली मोहल्ले में, हर गली मोहल्ले में साथ होने की खबर उड़ गई। बस एक बात, एक मिनट के लिए किसी से बात हो गई अकेले में, बस उसके बाद देखिए हर आदमी शक करने लगा साहब, जिससे कोई लेना देना नहीं वो भी शक करने लगा। इसलिए इस शक से बचिए, शक के जद में कभी मत आइए, शक वाली चीजों को वेरीफाई करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जिसे छोटी छोटी बात पर शक होने लगे, उसकी काउंसलिंग कराइए, दो लोग मिलके बताइए कि ये हकीकत नहीं है, ये आपका शक है। फिर मैं वही कहूँगा जो मैंने शेर शुरू में बताया था कि शक की बीमारी का कोई इलाज नहीं और इससे जो जूझते हैं उनका कोई खास नहीं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।